आईएएस एसडीओ आलोक कुमार ने स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के बाद महिलाओं को दी जाने वाली पौष्टिक आहार मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मंगलवार को श्री बंसीधर नगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर प्रसूता को दी जाने वाली पौष्टिक आहार की जांच की। इस दौरान ब्लॉक अकाउंट मैनेजर करुणा कुमारी ने एसडीओ को बताया कि प्रसूता को सुबह शाम एक एक पैकेट सूखा खाद्यान्न दिया जाता है। जाँच के दौरान पाए गए प्रसव के बाद महिलाओं को दी जाने वाली पौष्टिक आहार में लापरवाही की जा रही है। 100 रुपये के बजाय 35 से 45 रुपये मूल्य का सूखा राशन दिया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के उपाधीक्षक को पूरे मामले से संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आज हॉस्पिटल में जांच किया गया। बेसिकली कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जो प्रसव के बाद महिलाओं को राशन दिया जाता है, नियम है कि 100 रुपये का हमें उनको या तो खाना देना है या तो ड्राई राशन देना है। तो उसी के रिस्पेक्ट में बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी कि जो महिलाओं को दिया जा रहा है ड्राई राशन, वो उसमें बिस्किट और कुछ टोस्ट या हॉर्लिक्स टाइप की चीज़ें दी जा रही है, जिसका बाजार का मूल्य 40 से 50 रुपये ही है। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैंने हॉस्पिटल में जांच किया और जांच के क्रम में पाया गया कि जो ड्राई राशन का पैकेट दिया जा रहा है उसमें 2 पैकेट बिस्किट है, हॉर्लिक्स का 5-5 रुपये का पैकेट है 2-3, और एक रस का पैकेट है और एक छुहारा है। तो उसका बाजार का मूल्य 40 से 45 रुपये होगा। तो कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ सही से देख रेख नहीं किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस रिस्पेक्ट में मैंने हॉस्पिटल के इंचार्ज को बोला है कि प्रॉपर आप लोग जांच करके एक रिपोर्ट दें, और इसके बेसिस पे जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे हम लोग डेफिनेटली उनको छोड़ने वाले नहीं। इनफैक्ट भारत सरकार भी बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है कि हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हो। तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही दिखाता है अगर ये लोग ऐसा ड्राई राशन दे रहे हैं जो कि मानक के अनुरूप नहीं है, तो उसके खिलाफ़ ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।